सुषुप्ति अवस्था में कोई कामना नहीं है, आत्मा में देखा गया कोई कामना नहीं, कोई विषम इच्छा नहीं होती है। कहाँ कहाँ यदा सर्वे प्रमुचंते कामाय से हृदय सता अधमत्यो मृतो होती एतावती अनुशासन। ऐसे यहाँ पर ये चतुर्थ तृतीय ब्राह्मण के चतुर्थ 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 ब्राह्मण में ऐसी कंडिका आने वाली है, तो सब काम समाप्त हो जाते हैं। तो ये इसलिए ये कहा गया है। तो पूर्वादि एक शंका करता है, माने वो जो विशेषण लगा हुआ है यहाँ, तो विशेषण सार्थक करने के लिए काम का काम भी है और काम का अभाव भी, ऐसा मानना होगा। पूर्वादि ने कहा था हृदय में आश्रित काम समाप्त हो जाते हैं, ये अर्थ होगा। हृदय में बुद्धि में, बुद्धि में आश्रित काम समाप्त होगा, किंतु आत्मा में जो आश्रित हो रहे विशेषण लगा हुआ है, हृदय स्थिरता बोला हुआ है, तो सिद्धांत का ऐसा नहीं, हृदय में आश्रित काम के विशेषण ये हृदय स्थिरता हो जाएगा। क्यों? जो अतीत काम है, इच्छाएं जो चली गई और जो भावी आगे आने वाले हैं उनके पृथक करने के लिए वर्तमान के लिए कहा गया है। मानिए काम से काम के व्यावृत्ति के लिए यहाँ उपदेश किया गया है। प्रमुचंदे शब्द वर्तमान है, ये कहा गया वर्तमान के लिए कहा, तो पूर्वादि बोलता नहीं। फिर यदि वर्तमान को ही निषेध कर रहा है तो वर्तमान विशेषण लगाना पड़ता है। फिर प्रमुचित यही कहना है, टीका से देखना है, हृदय अनाश्रित भूत भविष्य काम संभव है भी, हृदय में जो अनाश्रित काम अभी आश्रित है वर्तमान में आश्रित ही है, अंतकरण में भूत काम और भविष्य काम कामनाओं के अभाव होने पर असंभव होने पर भी सर्व काम निवृत्ति विवक्षित सारे काम के निवृत्ति विवक्षित होने से वर्तमान विशेषण अनर्थक, फिर वर्तमान के विशेषण प्रमुचित काम विशेषण अनर्थक है। इस शंका में संगते कहा तथापि करके भाषण में कहा विशेषण अनर्थक्यम, भूत और भविष्य के से पृथक करने के लिए वर्तमान का उपदेश हुआ। सिद्धांत ने कहा तो फिर भी वर्तमान विशेषण दत्त है, सभी काम की निवृत्ति हो जाएगी। ठीक है, देखा अतीत अनागत कामाभाव संभवति स्वतः सिद्धो न तन निवृत्तौ यत्नो अपेक्षते शुद्धात्म दिदृक्षुणा मुमुक्षुणा वर्तमान काम निराशाय इतनाधिक्यम आलेयम इति ज्ञापयितुं वर्तमान ग्रहण यदि परिहरति, कहते हैं सिद्धांत बोलते। देखो अतीत अनागत जो काम है, कामना विषयों की इच्छा हुई समाप्त हो चुकी है अतीत, और अनागत है भविष्य में होने वाले हैं सब, संभवती स्वतः सिद्ध संभवती कामना का अभाव स्वतः सिद्ध संभव है। अतीत काम वर्तमान में है नहीं, भविष्य काम वर्तमान में नहीं, स्वतः अभाव सिद्ध उनका कामना होगी। होने पर दत्तन निवृत्त यत्न अपेक्षित है, अतीत काम और भविष्य काम को निवृत्ति के लिए प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसकी अपेक्षा नहीं। शुद्धात्म दिदृक्षणा जो शुद्ध आत्मा को ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, विशिष्ट आत्मा है शुद्ध आत्मा चाहता है जो मुमुक्षु है मुमुक्षुणा शुद्धात्म दिदृक्षुणा मुमुक्षुणा, तो शुद्धात्म को जानना चाहता जो मुमुक्षु उसको, तो वर्तमान काम निराशा है इतना दिखा आ रही है, यह अनुसार नहीं करना होगा। वर्तमान को कामना हमारे सामने ना है यही प्रयत्न करना होगा, क्योंकि विषयों की इच्छा होगी तो विषयों पर मन चला जाएगा, आत्मचिंतन नहीं कर पाएगा। इसलिए वर्तमान जो कामना है विषय की इच्छा है उसके लिए उसको खंडन करने के लिए, उसको निराश करने के लिए, हटाने के लिए ये अपना बहुत प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए कहा वर्तमान को इसलिए दिया है, इस ज्ञापन तुम वर्तमान ग्रहण इसे ज्ञापन करने के लिए वर्तमान ग्रहण किया यदि पर रहते सिद्धांत ये बोलते हैं। वर्तमान विशेषण अनर्थक नहीं है, वर्तमान के लिए इच्छाएं है उसको हटाने के लिए बहुत प्रयत्न करना चाहिए, इसके लिए वर्तमान विशेषण दिया। एक कहा आधेय के ऊपर ग्यारह नंबर की टिप्पणी का अनुष्ठेय भी अनुसार यही है, वर्तमान इच्छा न हो ऐसे प्रयत्न करना चाहिए।
ना कहा न तेसु ना सिद्धांत नहीं तेसु यत्नाधिक्या आधे अर्थत्वाद करें तेसु मान वर्तमान कामनेशु 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 कामना जो कामना वर्तमान जितने कामना है उनमें यत्न अधिक यत्न प्रयत्न इससे करना चाहिए। क्यों? भूत काम अपने निवृत्त हो गया, उसके लिए निवृत्ति करने के लिए कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। भविष्य आया नहीं, अभी उसकी निवृत्ति के प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है, वर्तमान को निवृत्त करना है। इसके लिए हम विशेषण लगा दिया, कहा वर्तमान विशेषण से लिए कहा। ठीक है, देखते हैं। यदि यथोक्तम व्याख्यान अनादृत्य आत्माश्रयत्व काम आश्रियते तदा अश्रुतम मोक्ष असंभवेन अनिष्टम से कल्पित स्यात्। भक्ति प्रबंध के मध्य ये था कि आत्मा में आश्रय कामना आदि ये कहना था। यदि जो उत्तम व्याख्यान अनादृत्य हमने जो व्याख्या की है अंतकरण में काम कामनाएं हैं, आत्मा में नहीं है। आत्माश्रयत्व काम आश्रियते यदि आत्माश्रय मानते हैं काम को, इच्छा आत्मा में उत्पन्न मानते हैं, तो तदा अश्रुतम मोक्ष असंभवेना मोक्ष असंभवेना अश्रुतम अनिष्टम से कल्पित अवश्य। तो कल्पना हो जाएगी वादी के मत में क्या होगा, अश्रुत की कल्पना, कामना जो सुनाई नहीं पड़ी आत्मा में उसकी कल्पना एक दोष। दूसरा दोष है कि दूसरा दोष ये होना अनिष्ट हो जाएगा। यदि कामना हो तो मोक्ष नहीं हो पाएगा, मोक्ष न हो तो मोक्ष कहने वाले शास्त्र अनिष्ट हो जाएंगे। एक कहा इतरधा अश्रुतम अनिष्टम से कल्पितम से आत्माश्रय तो काम। यदि आत्माश्रय काम को मानते हैं, मन में आश्रित न मान करके आत्मा में आश्रित मानते हैं इच्छाओं को, तो अश्रुतम अनिष्टम से कल्पितम से दो कल्पना होगी, जो सुनाई नहीं पड़ा कहीं भी आत्माश्रय कहा नहीं श्रुति होने काम को, और अनिष्ट भी होकर मोक्ष नहीं होगा। यदि आत्मा में काम स्वाभाविक हो वो हमेशा रहेगा, फिर मोक्ष होगा संभव नहीं। आत्माश्रय तो काम होगा। ठीक है, हम जाते हैं। अश्रुतत्व असिद्धम इति शंका है, पूर्वादि शंका करता हमारा अश्रुत ही आत्मा में कामना कही है अश्रुत अश्रुत ही क्या अश्रुत ही तो काम न कंचन काम कामयते प्राप्त प्रतिषेधात आत्माश्रयत्व कामान श्रुतम चेत। पूर्वादि भारतीय प्रबंध का कहना है न कंचन काम काम उस अवस्था में किसी कामना की इच्छा नहीं करता, बाकी में करता है, दूसरी अवस्था में करता है। तो जो प्राप्त की प्रतिषेध किया है, प्राप्त में तो प्रतिषेध निषेध नहीं कर सकते, उस सुषुप्ति अवस्था में किसी कामना नहीं करता, जागृत होकर कामना करता है, आत्मा में है कामना। ठीक है, न कंचन काम काम है प्राप्त प्रतिषेधा, प्राप्त का प्रतिषेध निषेध किया इस वाक्य ने, प्राप्त का प्रतिषेध निषेध होता है, इसलिए आत्मा श्रय तुम कामान श्रोतम देव आत्मा में आश्रित कामना है यह सुनाई पड़ता है, श्रोता श्रुति में सुनाई पड़ा है। भारतीय प्रबंध ऐसे कहते हैं, नया करके सिद्धांत बोलते हैं, अर्थात आत्माश्रय तुम श्रुतम एव कामान दूसरे अर्थ से आ गया, न कंचन काम प्रति काम श्रुति द्वारा निषेध की जो है, अर्थ से आ गया आत्मा में काम आश्रित है तभी तो निषेध किया, ये यही है अर्थ से आत्माश्रय तुम श्रुतम है, आत्माश्रय तो काम में सुनाई पड़ा है, काम दूसरे सिद्धांत दूषित करते हैं, खंडन करते हैं। अप्राप्त प्रतिषेध अनुपत्य का अप्राप्त की प्रतिषेध हो नहीं सकती, प्राप्त की प्रतिषेध है, औपाधिक प्राप्ति की प्रतिषेध है, अप्राप्त प्रतिषेध नहीं हो सकता। पूर्वादि के कहना था उसको दूषण करते हैं, ना कहा ना आत्मा से नहीं कहा काम को, कहा सरी स्वप्नो भूत्वा इति पर निमित्तत्वात् कामाश्रयत्व प्राप्ते असंगत्व वचन असंग वचन चाह सभी स्वप्न भूतवा इमं लोकम अतिक्रामती मृत्यु रूपाणी ऐसा है, वही बुद्धिवृत्ति के साथ एकता करके सभी स्वप्न भूतवा स्वप्न अवस्था में भूतवा इमं लोकम अतिक्रामती मृत्यु रूपाणी इस लोक को अतिक्रम करता है, जो मृत्यु का रूप मृत्यु माने अज्ञान अज्ञान का जो कार्य है थोड़े समय आदि को उस समय में परित्याग करता है ऐसा आया है। मान बुद्धिवृत्ति के कारण वहाँ कामना दिखती है, उपाधि उपाधि के कामना बुद्धि में है, अज्ञान काल में आत्मा का उसके साथ तादात्म्य हो जाता है, तादात्म्य होने से बुद्धि के धर्म जो कामना नहीं थी अपने में मानता है अज्ञान काल में, उपाधि के काम आत्मा में एक आना है सदी स्वप्न भूत्व इत्यादि। और आत्मा में यदि काम हो तो असंग कहना व्यर्थ हो जाएगा,
श्रुति में असंग वही है, पुरुष असंग नहीं सत्यते कहा हुआ है, असंग का नाम व्यर्थ होगा, अनिष्ट होगा। ठीक है, बोलते हैं निषेध हो ही प्राप्ति में अपेक्षा है। सिद्धांत दिखाते भाई निषेध जो होता है प्राप्ति की अपेक्षा करता है, प्राप्ति होने पर निषेध, निषेध प्राप्ति की अपेक्षा करता है। ठीक है, किंतु न वास्तवम, वास्तविक वास्तविक प्राप्ति की विपक्ष अपेक्षा नहीं करता, औपाधिक प्राप्ति के निषेध किया है नगन स्तुति के द्वारा, नगन जन काम काम के द्वारा। यही है, ठीक है, निषेध हो ही प्राप्ति में अपेक्षा है, निषेध जो होता है प्राप्ति की अपेक्षा करता है। न वास्तवम कामानाम आत्मधर्मत्वम, वास्तव में कामना है आत्मा का धर्म नहीं है, वास्तव में औपाधिक धर्म है, बुद्धि के धर्म को आत्मा में माना अज्ञान है। ठीक है, प्राप्ति स्तु भ्रांति आदि संपत्ति, प्राप्ति तो भ्रांति से भी हो सकती है, भ्रम हो गया अन्य का धर्म अन्य में माना गया भ्रांति से, एक सिद्धांत का धर्म है। तस्मात आत्मनो वस्तु तो न कामादि आश्रयत्वम इत्यर्थ, इसलिए आत्मा में वास्तविक रूप से कामादि का आश्रय आत्मा नहीं हो सकता, कामादि का आश्रय आत्मा नहीं है, निर्धर्म का आत्मा कोई धर्म नहीं। इतस्य आत्मनो न कामादि आश्रय, अन्य हेतु भी है इस विषय में, आत्मा में काम का मान इच्छा आदि का आश्रय नहीं होता, आत्मा इच्छा आदि धर्मवान आत्मा नहीं होता। तो असंग वचनाच कहा, आत्मा को असंग कहा है, यदि कामादि आत्मा में हो तो संग हो जाएगा, श्रुति बोलते असंग ही है, असंगो अहम पुरुष, असंगो ही अहम पुरुष, असंगो नहीं संग, असंग किसी संबंध है नहीं। भाषण कहा नहीं कामा कामाश्रयत्व असंग वचन उपपत्ति थे, भाषण ने कहा काम का यदि आश्रय बनता हो आत्मा, आत्मा में यदि कामनाएं हो तो फिर असंग वचन घटेगा नहीं, श्रुति असंग कह रही आत्मा। ठीक है, ननु असंग वचन आत्मन संगाभाव साधयत तस् कामित्व न विरुद्धते, पूर्वादि बोलते महाराज असंग वचन आत्मा में संग का अभाव मानता है, संग नहीं रहता है, संग नहीं बोला वो तो संग का अभाव दिखा रहा, असंग काम का अभाव तो नहीं दिखाया आत्मा में, संग का अभाव दिखाया तो कामाश्रय तो हो सकता है, संग नहीं होता आत्मा में, संग का अभाव दिखाया असंग नहीं सत्य दिखा, किंतु काम का तो आश्रय हो सकता है, पूर्वादि बोल रहा है। मानो असंग वचन आत्मा संगाभाव साधय ऐसा सिद्ध करता हुआ आत्मा में संग नहीं है ये तो बोलेगा ना, तो तस्य ये जो वचन है वह कामित्व आत्मा कामित्व, वह आत्मा में कामित्व है न विरुद्ध थे, आत्मा कामी हो सकता है, एक व्यक्ति के साथ संबंध न होने पर भी दूसरे के साथ संबंध हो सकता है, संग नहीं है यही बोलता है, तो कामी काम का निषेध तो नहीं किया ना सुनते ने, संग का निषेध किया असंगो नहीं सत्यते करके, काम संग का निषेध किया, काम का निषेध तो नहीं किया, काम रह सकता है आत्मा में, ये पूर्वादि की शंका है। 14-15-16 की टिप्पणी में कहा 14 बोधय ऐसे ज्ञान कराता हुआ क्या कामार संगाभाव बोधय ज्ञान कराता हुआ 15 कहते आत्मन तस्य में आत्मन कामित्व न विरुद्धते, 16 की टिप्पणी बताया नहीं काम संगो नाम, काम और संग भिन्न भिन्न है, संग संग भाई ने काम तो संग का निषेध किया असंग श्रुति के द्वारा, काम का तो निषेध नहीं किया, काम हो सकता है तो पूर्वादि की शंका थी, यदि पूर्वादि अभिप्राय पूर्वादि का यही अभिप्राय था काम संग नहीं है, संग से भिन्न है तो काम हो सकता है, संग न होने पर ये पूर्वादि ने कहा। सिद्धांत कहते संघर्ष संघर्ष काम यदि अवोचाम, हम पहले कह चुके हैं भाष्यकार कहते हैं संग और काम पर्यायवाचक है, संग बोलो काम बोलो एक है, संघर्ष काम यदि अवोचाम, 8 की टिप्पणी बताया है अवोचाम कहा, इसमें तृतीय ब्राह्मण के 16 करने का कहा था, इसमें आगे ठीक आप कहते हैं कामस्य संगः, काम और संग पर्याय वाचक है, ततो असिद्धो हेतु, असिद्ध हेतु तुमने जो कहा श्रुतत्व हेतु जो कहा, काम सुनाई पड़ा है आत्मा में पहले कामना है, ये श्रुतत्व हेतु जो तुमने दिया असिद्ध है, अतः इस विषय में हेतु असिद्ध है, सिद्धांत रूप से कहा गया। टिप्पणियाँ 17-18-19-20 17 में कहा अवोचाम के ऊपर है ये तो हो गया 17 अवोचाम काम से संग,
सब तरफ यही बोलते हैं। सूचितम थल अब मुझे भाषण में कहा था उसको कहाँ कहाँ सूचित स्थल बताते हैं कामस इत्यादि कहा काम कामस संघर्ष संघ और काम पर्यायवाची है टीका भी बताते हैं तथा अत्र कामस संघो यहाँ काम संघ है यहाँ काम का निषेध किया वो संघ ही है संघ का निषेध होने पर काम का भी निषेध है और तो असिद्ध हेतु तुम्हारे जो हेतुता श्रोतत्व काम सुनाई पड़ा है आत्मा में कहा असिद्ध है इत्यत्र युक्त अठारह में कहा काम से जो संघ तो काम ही तो संघ है आत्मा का संघ बोला तो कौन से हेतु असिद्ध का श्रोतत्व उन्नीस में बोल दिया जो श्रोतत्व हेतु तुमने दिया काम सुनाई पड़ा है तो आत्मा में काम वास्तविक है सिद्धांत का औपाधिक रूप से कहा गया है होने से निषेध किया न कंजन काम काम है निषेध था जिसके लिए वास्तविक होने कोई अपेक्षा नहीं है निषेध के लिए आगे ठीक है वाक्यांतरम आश्रित आत्मने कामाश्रय तुम संचित दूसरे दिखा अन्य वाक्य आश्रय लेकर के आगे के वाक्य आश्रय कर आत्मने कामाश्रय तुम संचित आत्मा में काम की काम के आश्रयत्व के शंका उठा करके दूसरे की सिद्धांत दूषित करते हैं आगे वाक्य लेकर दूषित करते हैं आगे के वाक्य से दूषित करते हैं ये कहना चाहते हैं क्या है वाक्य लगा आत्मा इत्यादि का आत्मा काम स्थिति श्रुते आत्मा काम कहा स्मृति को पूर्वादी बोलेगा आत्मा को आत्मा काम कहा अन्य को न चाहने पर अपने को तो चाहता है ना आत्मा काम कहा आत्मा काम श्रुते आत्म विषय अश्य काम हो बहुत ही अन्य विषय कामना न होने पर भी स्व विषय कामना है आत्मा हो सकता है ऐसा पूर्वादी बोलते सिद्धांत व्यतिरिक्त कामाभावार्थत्व तस्यागत है उससे अतिरिक्त काम का अभाव है आत्मा से अतिरिक्त कोई कामना नहीं है अर्थात आत्मा काम शुद्धि का आत्मा से अतिरिक्त कोई कामना नहीं है कामाभावार्थत्व तस्यागत आत्मा से पृथक कामना नहीं है सब आत्मा ही आत्मा से अतिरिक्त कोई नहीं है कुछ नहीं ये कहने का तात्पर्य है ये बता दिया है आगे श्रुति में कहा इच्छा रहे अब न्याय वैशेषिक के मत से दूषित करना चाहते हैं आत्मा में आश्रित है काम न्याय वैशेषिक मानते हैं इच्छा आदि जो गुण है आत्मा के हैं ऐसा मानते हैं बुद्धि के नहीं मानते हो इसलिए नैया वैशेषिक का मत दिखाते हैं इच्छा रहे क्वचित आश्रित गुणत्वाद रूपाधिवत ऐसा अनुमान करते हैं नैया वैशेषिक आदि इच्छा आदि होते हैं ना उचित आश्रय कहीं ना कहीं आश्रित है इच्छा आदि अनाश्रय नहीं आश्रय है उनका इच्छा आदि का जो इच्छा आदि होते हैं वो कहीं ना कहीं आश्रित है जो गुणत्व तो गुण है इच्छा आदि गुण जो होता है कहीं ना कहीं आश्रित होता है द्रव्य आश्रित होता है इसलिए इच्छा आदि है उचित आश्रित गुणत्व गुण होने से रूपादि वह जैसे रूपादि है कहीं ना कहीं आश्रित है रूप कहाँ होता है पृथ्वी में जल में तेज में रूप है आश्रित है द्रव्य को छोड़कर के रूप का स्वरूप नहीं दिखता रूप द्रव्य में आश्रित होता है पृथ्वी जल तेज द्रव्य में है इसी प्रकार जैसे रूपादि मान यत्र यत्र गुणत्व तत्र क्वचित आश्रय तो निषिद्ध होगा ये व्याप्ति बनेगी जहाँ जहाँ गुणत्व होगा वहाँ वहाँ कहीं ना कहीं उसको आश्रित होना होगा तो इच्छा आदि भी गुण है दृष्टांत दिया जैसे रूपादि गुण है द्रव्य में आश्रित पृथ्वी आदि में आश्रित है इसी प्रकार इच्छा आदि भी कहीं ना कहीं आश्रित होना चाहिए तो अब निश्चय नहीं हुआ कहाँ आश्रितत्व सिद्ध हो गया आश्रित होना गुण होने से आश्रित है कहाँ आश्रित है फिर दूसरा अनुमान करेंगे ठीक है इच्छा आदय प्रचित आश्रित गुणत्वाद रूपाधिवत इति अनुमानात् ऐसे अनुमान के द्वारा आगे परिशेष युक्ति लगाइए फिर ये इच्छा आदि जो है ना पृथ्वी आदि अष्टद्रव्य अनाश्रित अनाश्रितत्व सती आश्रितत्व ऐसे करेंगे इच्छा आदय आत्माश्रित इच्छा आदि आत्मा में आश्रित है क्यों पृथ्वी आदि जो आठ द्रव्य है उसका ये नहीं है पृथ्वी में इच्छा नहीं होती पृथ्वी को इच्छा होती क्या पृथ्वी की इच्छा नहीं होती क्यों चैतन्य निष्ठा है ये तो पृथ्वी आदि जो आठ द्रव्य है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन ये काल मन आठ द्रव्य से अतिरिक्त होता हुआ चेतन में आश्रित है तो चेतन आत्मा ही है तो इच्छा आदि में गुण है परिशेष अनुमान के द्वारा सिद्ध होगा कि आत्मा में इच्छा आदि है मानी आत्मा असंग नहीं असंग है आदि बोलते हैं परिशेषात कामादि आश्रयत्व आत्मा कामादि का आश्रय आत्मा सिद्ध हो जाएगा क्यों कामादि जो है पृथ्वी आदि जड़ पदार्थ में तो है इच्छा होती नहीं वहाँ पृथ्वी को इच्छा नहीं होती जल की इच्छा नहीं होती चेतन में आश्रित होते इच्छा आदि तो
अन्य को छोड़कर के चेतन आत्मा ही है। तो आत्मा का आवाज का आश्रय, इच्छा का आश्रय है, काम का आश्रय है, क्या मान करते हैं आत्मा ना शेत शरीर संकल्प है। आत्मा में काम आदि के आश्रय प्रसिद्ध हो जाता है, ये शंका पूर्वादि करना चाह रहा नहीं है, आदि की शंका है। सात आठ की टिप्पणियां हैं, सात में कहते हैं इति सामान्य, इति सामान्य अनुमान है ना, सामान्य अनुमान पहले किया, सामान्य अनुमान ये है कि क्या अनुमान हुआ ये कि इच्छा आदि कहीं ना कहीं आश्रित है, ये कहना चाहते हैं गुणत्वाद रूपाधिवत, ये सामान्य अनुमान इच्छा आदि का आत्मा आश्रय नहीं सिद्ध हुआ इसे कहीं आश्रित है, क्यों गुण जो होता है अपने अपने ही रहता है तो कहीं ना कहीं आश्रित होता है, रूपाधि गुण द्रव्य पृथ्वी आदि में आश्रित है। इसी प्रकार ये इच्छा आदि भी कहीं ना कहीं आश्रित है, द्रव्य में आश्रित है, और कौन द्रव्य में है तब दूसरा अनुमान करना है। ये शांत कहा इति सामान्य अनुमान है, सामान्य अनुमान था आश्रित तत्व की सिद्धि होगी, इच्छा आदि भी आश्रित है कहीं, ये सिद्ध होगा अनुमान के द्वारा। सामान्य अनुमान है इच्छा आदि नाम शास्त्रित्व सिद्ध हो, आश्रय सिद्ध हो गया इच्छा आदि का, क्यों गुण कहीं ना कहीं आश्रित होता है, जैसे रूप है गुण है, द्रव्य में आश्रित है पृथ्वी, सामान्य रूप से शास्त्रित्व सिद्ध होने पर एक आठ में कहते विशेष अनुमान होगा इच्छादय आत्माश्रित, आत्मा में आश्रित है चेतनत्वाद बोले ऐसे करेंगे परिशेष अनुमान ये होगा इच्छादय पृथ्व्यादि नाश्रित, इच्छादि जो है पृथ्व्यादि में आश्रित नहीं है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिन इनमें आठ द्रव्य में नहीं है, क्यों कहते हैं चेतनत्व सामानाधिकरण प्रतिमान होता है, चेत जहाँ चेतनत्व होता है ना चैतन्य जहाँ होगा वहीं प्रतीत होती है, चेतन में होते हैं इच्छा आदि जड़ में नहीं होते, पृथ्वी आदि जड़ पदार्थ है, पृथ्वी आदि में आश्रित नहीं है इच्छा, इच्छा कामना पृथ्वी आदि में नहीं है, क्यों चेतन चेतनत्व सामानाधिकरण प्रतिमान होता है, अधिक दिया चेतनत्व सामानाधिकरण से प्रतीत है, जहाँ चेतनत्व रहेगा वहीं इच्छा आदि होते हैं, मैंने चेतनत्व आत्मा में ही है, इसलिए आत्मा में ही काम आदि सिद्ध हो गए इस विशेष अनुमान से ही कहा। और दृष्टांत क्या देंगे कम नैवम तम नैवम यथा रूपादि, जैसे रूपादि है जो कि पृथ्वी आदि में अनाश्रित है आश्रित है, क्यों अचेतनत्व सामान्य अधिकार प्रतिमानत्व भी नहीं है, जल में होता है रूपादि, जैसे रूप होता है पृथ्वी व्यतिरिक्त अनुमान दे दिए, परिशेष अनुमान दे दिए, परिशेष अनुमान के द्वारा इच्छा आदि चेतन चेतनत्व समानाधिकरण होते हुए प्रतिमान होते हैं, इसे पृथ्वी आदि में आश्रित है, तो आत्मा में आश्रित हो जाएंगे, आत्मा सिद्ध होगा ये कहा। तथा इच्छादय आत्माश्रित विशेष अनुमान हो गया, इच्छा आदि जो है आत्माश्रित है, क्यों शास्त्रित्व सदी पृथ्वी आदि अनाश्रित होता है, उनका आश्रय होना चाहिए, किसी आश्रय में आश्रित होते हैं वो, और पृथ्वी आदि में अनाश्रित है, व्यतिरेक रूप आदि का व्यतिरेक क्या होगा जहाँ पर शास्त्रत्व होता हुआ आत्माश्रित नहीं हो, जो रूप आत्मा में आश्रित नहीं है पृथ्वी आदि में है, आत्माश्रित नहीं है वहाँ आश्रयत्व होता हुआ पृथ्वी आदि अनाश्रित तो नहीं रहेगा, पृथ्वी आदि में आश्रित है व्यतिरेक अनुमान अनुमानम रूपादि बंदित अनुमानम फलितम इत्यर्थ काम आदि इत्यादि शब्द से बोल दिया ये कहा था। ठीक है कहते हैं आगे संगत है कामादि आत्मा आश्रयत्व आत्मा शेष है, इच्छादय क्वचित आश्रित गुणत्वाद रूपाधिपत इति अनुमान परिशेष परिशेष अनुमान द्वारा कामादि आश्रयत्व आत्मा शेष है, कामादि का आश्रय आत्मा हो जाएगा, कामादि का आश्रय होगा इति संगत है, वैशेषिक आदि संख्या करते हैं, वैशेषिक नैयायिक आदि की संख्या है, मान इच्छा आदि को आत्मा में सिद्ध करना चाहते हैं, किंतु अनुमान यदि श्रुति का विरोध हो, अन्य प्रमाण का विरोध हो, श्रुति का विरोध हो, प्रत्यक्ष का विरोध हो, श्रुति का विरोध हो तो अनुमान माना जाएगा, श्रुति का विरोध होगा तो अनुमान नहीं माना जाएगा, ठीक सिद्धांत कहेंगे। वैशेषिक आदि तंत्र न्याय उपन्न आत्मन कामादि आश्रित चेत भाषण का पूर्वादि की शंका है, वैशेषिक आदि जो तंत्र मन सिद्धांत है, वैशेषिक का सिद्धांत नैयायिक का सिद्धांत कड़ाप का सिद्धांत हो चाहे गौतम का सिद्धांत हो आदि, वैशेषिक आदि तंत्र मन न्याय सिद्धांत ये जो युक्तियाँ हैं न्याय वाली युक्ति उस सिद्धांत में जो युक्ति दी गई है युक्ति के द्वारा आत्मा में काम का आश्रित तत्व सिद्ध किया है,
इच्छा ही आत्मा के धर्म है, गुण है, ऐसे सिद्ध किया हुआ। वैशेषिक आदि तंत्र माने सिद्धांत अगर युक्ति है न्याय माने उपनम सिद्ध है आत्मा न कामादि आश्रित, आत्मा में कामाश्रित है, आत्मनिष्ठ कामाश्रित तो आत्मा कामादि वाला है, इच्छा आदि वाला है, सिद्ध है। चेत ऐसे पूर्वादि बोले नौ करके बोलेंगे। दो नंबर की टिप्पणी में कहा आदिना गौतमादय ग्रंथे, वैशेषिक आदि में जो आदि लगा दिया आदि से गौतम हनुमान से वस्तु सिद्ध करने वाले तदीय तंत्र, उनका जो सिद्धांत है तंत्र माने सिद्धांत, वैशेषिक आदि का सिद्धांत है, उन सिद्धांतों में ये न्याय उपपत्त है, ये युक्तियां हैं उसके द्वारा सिद्ध होता है कि आत्मा में काम आदि है, ये सिद्ध होता है। इसलिए सुषुप्ति काल में निषेध करना भी सिद्ध हो जाता है, न कंचन काम यत्र सुप्तो न कंचन काम काम है, इसे आत्मा में है, उस काल में नहीं जागृत स्वप्न में ये सिद्ध होता है, उनके न्याय युक्ति से कहा। तो सिद्धांत ही बोलते हैं इस विषय में। श्रुति कहते हृदय स्थिरता बोलते हैं, बोलती है क्या बोलती है, हृदय में आश्रित काम जिस काल में समाप्त हो जाते हैं, यदा सर्वे प्रमुचते काम ऐसे हृदय स्थिरता, हृदय माने हृदय से बुद्धि, बुद्धि में जो कामनाएं हैं सब जिस काल में समाप्त होंगे, आत्मज्ञान काल में सुषुप्ति अवस्था ज्ञान काल में समाप्त होंगे, अथवा तो अमृतो भवति यत्तद्धि अनुशासन यथापत्ति अनुशासन ने कहा। तो हृदय स्थिरता इत्यादि विशेषण श्रुति विरोधा, हृदय स्थिरता कहा है विशेषण लगा है, काम कहा है हृदय में आश्रित है, कहा हृदय में बुद्धि में है आत्मा में नहीं, ये स्मृति बोल रही है। और तुम अनुमान से आत्मा में सिद्ध करना चाहते हो काम को, न हृदय स्थिरता इत्यादि विशेषण, विशेषण श्रुति विरोधा, विशेषण कहने वाली श्रुति है, काम का विशेषण क्या है हृदय, हृदय में है काम मान बुद्धि में है काम, विरोध होने से अनपेक्षा वैशेषिक आदि तंत्र होते हैं, जो वैशेषिक तंत्र वाले सिद्धांत में जो युक्तियाँ हैं ना अनुमान, अनुमान के द्वारा आत्मा में काम की सिद्धि करने वाली युक्तियाँ, वो क्या अनपेक्षा श्रुति विरुद्ध होने से अपेक्षित नहीं हो। श्रुति कहते हृदय स्थिरता बोलते काम को, और तुम मानते हो अनुमान के द्वारा आत्मा में आत्माश्रित मानते हो, श्रुति के विरोध होने के कारण अनपेक्षा है वो युक्ति, तावधियुक्त यह वैशेषिक सिद्धांत आदि के सिद्धांत की युक्तियाँ मान श्रुति के साथ विरोध होने पर अनुमान अनुमान आभास हो जाएगा, अनुमान नहीं हो पाएगा, ये कहना है। तीन नंबर टिप्पणी में कहा नादरणीय कहते हैं उसका आदर नहीं देना चाहिए उसकी युक्तियों को, जो आत्मा में काम काम का आश्रय मांग रहा आत्मा को, उसी युक्तियों का आदर क्यों, श्रुति के साथ विरोध है, श्रुति बोलती हृदय स्थिरता बोलती काम को, यदाश्रम ये प्रभु चलते काम आए अश्य हृदय स्थिरता, हृदय में हमारे हृदय स्थ बुद्धि में है काम आत्मा में नहीं। एक श्रुति विरोध है न्याय न्याय वास्तव का, श्रुति के साथ यदि अनुमान का विरोध होता है तो युक्ति युक्ति आभास हो जाता है, युक्ति नहीं युक्ति का आभास हो जाता है, श्रुति के साथ विरोध है, तुमने जो अनुमान किया वह तुम कहते हो कि आत्मा में आश्रित है काम, किंतु श्रुति बोलती है हृदय स्थिरता बोलती है, श्रुति के साथ विरोध होने पर वो न्यायाभास हो जाता है, युक्ति का आभास हो जाता है, ये स्वीकार किया है काम युक्ति नहीं युक्ति आभास। चार नंबर टिप्पणी में कहा भ्रांतत्व, वो अनुमान भ्रांत माना जाएगा श्रुति के साथ विरोध होने पर, भ्रांतत्व को दिया न्यायाभास का अर्थ भ्रांत है, यथार्थ नहीं है गलत है अनुमान, ये सिद्ध हो जाता है श्रुति के साथ विरोध होने पर। और स्वयं ज्योतिष बात राज्य है, दूसरी बात यदि कामना वहाँ हुआ आत्मा में हो, कामना का आश्रय आत्मा हो तो स्वयं ज्योतिष तो नहीं रहेगा, स्वयं ज्योति नहीं बन पाएगा आत्मा, ठीक है। स्वयं ज्योतिष बाद राज्य, स्वयं ज्योतिष का बाद होने से भी यदि कामना आत्मा में मानेंगे तो स्वयं ज्योतिष का बाद होगा, स्वयं ज्योतिष से सिद्ध नहीं हो पाएगा आत्मा, कहना यही हो वहाँ कोई नहीं है, सुषुप्ति अवस्था में आत्मा अकेला है, ठीक है। यदि कामना हो तो स्वयं ज्योतिष नहीं बन पाएगा। कामादीनाम तो स्वप्न केवल दृश्य मात्र विषय बात स्वयं ज्योतिषम से बाध्यता करते हैं, कामादियों का स्वप्ने मन सुषुप्ति अवस्था में केवल दृश्य मात्र होता है, दृष्टा मात्र होता है आत्मा उस काल में, दृश्य नहीं रहता, दृष्टा मात्र होता है सुषुप्ति काल में, कामादीनाम तो स्वप्न स्वप्न में सुषुप्ति में केवल दृश्य दृश्य मात्र विषय केवल स्वप्न अवस्था में भी जो विषय दिखाई पड़ते हैं कामनाएं जो होती है
इच्छा जो होती है वही केवल दृष्टा मात्र का विषय है, अन्य का नहीं, विषय नहीं होता वहां भी। स्वयं ज्योतिषम स्थितम बाधित है, स्वयं ज्योतिष जो सिद्ध हुआ था स्वप्नावस्था में अतरायण पुरुष ने स्वयं ज्योतिर्भव ने किया था वो बाधित हो जाएगा यदि वहां कामना हो तो। कामना नहीं आत्मा है। पांच के टिप्पणी करते हैं, केवल केवल साक्षी मात्र भाष्यत्वाद, स्वप्न में जो दिखाई पड़ते हैं जो भी वस्तु कामना आदि भाषते हैं केवल साक्षी मात्र से भाष्य है, प्रमाता नहीं होता है स्वप्न, साक्षी मात्र भाष्यत्वाद। केवल यदि चक्षुरादि अपेक्षा, स्वप्न में भी जो दिखाई पड़ता है चक्षुरादि की अपेक्षा से नहीं होता, केवल आत्मा ही दृष्टा होता है, चक्षुरादि से ही हुई है, स्वप्न अवस्था में है चक्षुरादि। केवल शब्द का अर्थ चक्षुरादि अपेक्षित्व का, और मात्र शब्द का अर्थ मनो अनपेक्षा, मन की अपेक्षा नहीं, वहाँ आत्मा स्वयं दृष्टा हो, मन की अपेक्षा नहीं चक्षु की अपेक्षा है। आगे टीका में बोलते हैं, आत्मसमवाय तदृश्यत्व अनुपत्ति है चक्षुर्गत विशेष होता, यदि आत्मा में संबंध हो काम का, यदि आत्मा में रहता हो काम इच्छाएं आत्मा का धर्म हो, यदि ऐसा हो तो तदृश्यत्व अनुपत्ति, आत्मा में द्वारा दृश्य नहीं होना चाहिए। स्वप्न अवस्था में आत्मा से ही दृश्य होते हैं काम आदि, जो दृश्य होगा वो दृष्टा नहीं होता, दृष्टा से भिन्न है, काम आदि आत्मा में नहीं है, जो स्वयं स्वयं को नहीं देख सकता, यही कहते हैं आत्मसमवायित्व। यदि आत्मा में संबंध रखते हो काम आदि वास्तव में तो तब दृश्य तो होता है, आत्मा दृश्य नहीं होना चाहिए, फिर आत्मा का दृश्य नहीं होना चाहिए काम आदि, क्योंकि जैसे चक्षुर्गत विशेष होते हैं, जैसे चक्षु में जो कालिमा होती है चक्षु में, चक्षु देख नहीं सकती उसको, चक्षु में जो बुद्धि कहते हैं कालिमा होती है, चक्षु देख नहीं सकती उसको, देख नहीं सकती है, क्यों, यदि आप अब उसका चक्षु का धर्म है वो चक्षुगत विशेष पद, जैसे चक्षु का धर्म है चक्षु देख नहीं सकती ना, तो विशेष पद विशेष चक्षु में जो विशेषता है चक्षु नहीं देख सकती, इस प्रकार आत्मसमवायित्व जैसे चक्षु से चक्षु का विषय नहीं बनता है पुतली जो बोलते हैं कालिमा, उसी प्रकार क्यों उसी का धर्म है वो अपने गुण को नहीं देख सकती चक्षु, ठीक इसी प्रकार आत्मा में यदि संवाय संबंध से रहते संबंधी हो काम आदि तो आत्मा का दृश्य नहीं होना चाहिए, किंतु स्वप्न अवस्था में आत्मा का दृश्य बनता है, क्यों वहाँ देखने के चक्षु आदि भी नहीं है और मन भी नहीं हो काम नहीं करता, वासना में आत्मा ही दृष्टा बनता है। एक छः की टिप्पणी बताते हैं, बाध्यत्व हेतु कामना आत्मा में है करके अनुमान जो दिया तुमने वो बाध्य है, बाधित हो जाता है, उसमें हेतु बताते हैं सिद्धांत आत्मा इत्यादि का, आत्मसमवाहित्व तदृश्य तो अनुपत्ति है चक्षुर्गत विशेष, आत्मा में यदि संबंधी हो काम आदि तो उसका दृश्य नहीं, आत्मा का दृश्य नहीं होना चाहिए, जैसे चक्षु में जो विशेषता है काली माँ आदि है चक्षु नहीं देख सकती, क्यों चक्षु का धर्म है वो तो वो देख नहीं सकती, इसी प्रकार आत्मा का धर्म हो काम आदि तो दृश्य नहीं होना चाहिए, काम आदि देखा ही पड़ता है स्वप्न अवस्था में आत्मा के द्वारा, ये कह रहे हैं कामाना भी जैसा आत्मधर्म होने पर नहीं दिखना चाहिए था, ये कह रहे हैं तत्र दृष्टांत और दृष्टांत देते चक्षु इत्यादि कहा, चक्षुर्गत विशेषवत जैसे चक्षु में विशेषता है कालिमा आदि विशेषता है चक्षु देख नहीं सकती उसको, ठीक इसी प्रकार यदि कामादि आत्मा का धर्म हो तो आत्मा के द्वारा दृश्य नहीं होना चाहिए, किंतु दृश्य होते हैं इसका मतलब कामादि आत्मा धर्म नहीं है, ये कहना है। आगे भाष्य में कहते हैं द्रष्टुर ही दृश्यम अर्धांतरभूतम इति द्रष्टुर स्वयं, दृष्टा से दृश्य भिन्न होता है, जैसे घट का दृष्टा अलग घट अलग दृश्य अलग होता है, द्रष्टुर ही माने इस बात दृष्टा से दृश्यम अर्थांतरभूतम, दृष्टा से दृश्य जो होता है जो दृष्टा जिसको देखेगा दृष्टा से भिन्न होता है, तो चक्षु को देखते किसको काम को देखता है स्वप्न अवस्था में देखता है, आपको चक्षुरादि नहीं है दीर्घ में देखता है काम को देखता है, इसका मतलब दृश्य है, दृश्य दृष्टा से भिन्न होता है, इसलिए आत्मधर्म नहीं है काम, ये सिद्ध करना है द्रष्टुर दृश्यम अर्थांतरभूतम, द्रष्टु स्वयं ज्योतिष्ट सिद्ध, दृष्टा में स्वयं ज्योतिष्ट सिद्ध हो जाता है, ये सिद्ध हुआ कहा। एक नंबर त्रिपुण में कहा सकाशात पंचमी है द्रष्टु, दृष्टा से दृश्यम अर्थांतरभूतम, विषय अंतर होता है, दृष्टा ही दृश्य नहीं होता, दृश्य भिन्न होता है, तो स्वप्न अवस्था में काम देखा जाता है मान आत्मा का धर्म होता नहीं देखता, अपना धर्म स्वयं नहीं देखता, जैसे चक्षु में जो काली माँ आदि है चक्षु देख नहीं सकते, उसी प्रकार
तो यदि आत्मा द्वारा काम हो तो आत्मा के द्वारा दृश्य नहीं होना चाहिए, काम दृश्य होता है स्वप्न अवस्था में आत्मा का, इसलिए आत्मा स्वयं के दृश्य सिद्ध हो जाता है। तद्बाधितम सार यदि कामाश्रय तो परिकल्पित जो स्वयं तत्मन जो स्वयं ज्योतिष बाधित हो जाता है यदि आत्मा में काम का आश्रय मानेंगे, आत्मा में काम है ऐसा मानेंगे, वास्तविक है मानेंगे, तो स्वयं ज्योतिष बाधित हो जाएगा, कल्पना करनी पड़ेगी। कहा तीन नंबर जितने हैं ना तत्मन उत्तर इत्यादि सिद्धम स्थितम स्वयं ज्योतिष तत्मन स्वयं ज्योतिष इस तरह से सिद्ध जो स्वप्न अवस्था में ले जाकर के आत्मा को स्वयं ज्योतिष सिद्ध किया है यदि कामादि वहाँ हो तो बाधित हो जाएगा, ये कल्पना कल्पना स्वयं ज्योतिष बाधित हो जाएगा। दो विध दो विध हेतु बोलते हैं यदि हेतु दृष्टांतर होता है इस कारण से ऐसा ठीक आ सकेगा। तो इन्होंने अनुमान दिया था इच्छा है कुछ आश्रित जो इच्छा आदि गुण है तो एक कह लगे आश्रित है द्रव्य आश्रित होते हैं, केवल गुण स्वतंत्र नहीं हो पाता कह लगे अधीन हो जाता है, जैसे रूप पृथ्वी में आश्रित है गुलाब लाल दिखता है गुलाब पुष्प पृथ्वी है उसमें होता है स्वतंत्र नहीं होता, तो कह लगे आश्रित होना है। दयाई के मत में नौ द्रव्य मानते हैं जो गुणों का आश्रय जो होता है गुण जिसमें रहते हैं नौ मानते हैं पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दीघ आत्मा मन नौ द्रव्य मानते हैं, तो गुण जहाँ जो भी हो उसी में 24 गुण मानते हैं नौ में रखते हैं। ठीक है इच्छा है क्वचित आश्रित इच्छा आदि कहने के आश्रित है नौ द्रव्य में से कहने के आश्रित है या सामान्य अनुमान है गुणत्व गुण है इच्छा आदि गुणत्व से यत्र यत्र गुणत्व तत्र तद क्वचित आश्रितत्व यथा रूपादि जैसे रूपादि है गुण है कहीं आश्रित है कहा पृथ्वी आदि में रूप है ठीक इसी प्रकार इच्छा आदि भी कहने के आश्रित होना चाहिए सामान्य अनुमान था। आगे परिशेष अनुमान आ जाएगा इच्छादय पृथ्वी आदि अनाश्रित पृथ्वी आदि में आश्रित नहीं है पृथ्वी में इच्छा नहीं होती चेतन में होती है ना इच्छा कहाँ होती है चेतन में होती है जड़ में नहीं होती पृथ्वी आदि जड़ है अनाश्रित चैतन्य सामानाधिकरण प्रतिमान हेतु चेतन के साथ समान जहाँ चेतनत्व होगा चैतन्य होगा उसके समानादि एक ही जहाँ चेतन है चैतन्य है वही इच्छा आदि होते हैं प्रतीत होते हैं। इसलिए अब पृथ्वी आदि अष्टद्रव्य तो चेतन है ही नहीं तो परिशेष न्याय से आत्मा आश्रित यही अनुमान था। कामादि आश्रित आत्मा से कहा था तो वैश्विक शादी कहा ठीक है कहा श्रुति अवस्टम्बे न परिवेश श्रुति के सहारे से इस अनुमान को खंडन करते हैं इच्छादि आत्मा में आश्रित ही करके नैयायिक आदि के तर्क का खंड था श्रुति के सहारे से सिद्धांत खंडन करते हैं नहीं आत्मा में आश्रित नहीं आत्मा असंग है किसी इच्छा आदि का आश्रय नहीं होता यही कहा श्रुति अवस्तम देना श्रुति के सहारे से खंडन करते हैं सिद्धांत ही कहा डॉक्टर टिप्पणी बताया है। श्रुति अवस्था में राज्य नहीं थी यद्यपि चेतनत्व सामानाधिकरण प्रतिमानत्व यद्यपि चेतनत्व सामानाधिकरण जो प्रतिमानत्व है प्रकृति सामान्य घटितत्व भी व्यभिचारी एवं व्यभिचारी हो जाए तो हेतु ही इनका ये कुछ कहा था इन्होंने कि रूपादि हेतु दिया रूपादि मतलब नहीं क्या गुणत्व हेतु दिया व्यभिचारी हो जाता है कहाँ कहते हैं प्रतिमान चेतन सामानाधिकरण प्रतिमानत्व यहाँ भी है व्यभिचार पृथ्व्यादि आश्रित तस्यापि रूपस्य रूप जो है ना पृथ्व्यादि में आश्रित है आत्मा में नहीं है फिर भी भ्रांति काल में गौरवहम बोलता है मैं गोरा हूँ बोलता है आत्मा अहम माने आत्मा और गौरव माने शरीर के साथ एकता करके ऐसा बोल जाता है मैं गौरव हूँ मैं सुंदर हूँ ऐसा बोलता है तो चेतनों का सामान्यकरण प्रतिमान रूप है वहाँ गौरव रूप है यदि भी ऐसा है जो विचारी प्रतिभादि आश्रित से रूप से गौरव तत्व प्रतीत तो उस रूप से प्रतीत होने से न तो निराकरण श्रुति अवस्तंभ है उसके लिए खंडन करने के लिए व्यविचारी श्रुति का सहारा नहीं लिया गया अब उसकी आवश्यकता नहीं तथापि तस्य प्रमाण घटित अभिमान है गौरवहम जो बोलता है व्यक्ति में गोरा हूँ बोलता है यदि प्रमाण घटित अनुमान मानेंगे उसको तो स्थिति में तो हेतु असिद्धि हेतु की असिद्धि हो जाएगी गुणत्व हेतु की असिद्धि होगी असिद्धि सिद्धार्थम इच्छादिना तथा प्रतिदेर भ्रमत्वाभावनाया इच्छादि जो है उस प्रकार के होने में भ्रम सिद्ध करने के लिए माने आत्मा में आश्रित को भ्रम मान सिद्ध किया अंततः
श्रुति रेव कामा संकल्प, श्रुति बोलते कामा संकल्प विचिकित्सा धृति अधृति श्रद्धा श्रद्धा धृति अधृति धीर हीर धी सर्वम एव मन एव ये सब सब मन ही है कहती इत्यादि सर्वम इत्यादि का शरण लेना होगा। काम मन मन की वृत्ति हृदय की वृत्ति है काम कहा हुआ है श्रुति में, और तुम बोलते हो आत्मा में है ये निश्चित करते हैं तत्परम ऐसा कहने से पहले आदो ये वक्त तद श्रुति का सहारा लेना पहले ठीक होगा। एक काम आगे कहते हैं टीका स्वयं ज्योतिष ज्योतिष न आत्मा श्रत्व कामाना कामादिना विशेष कहते हैं स्वयं ज्योति के बाद अगर यदि कामादि आश्रित हो तो स्वप्न अवस्था में जा करके वास्तव में आत्मा का धर्म हो तो रहेगा ही, स्वप्न में आत्मा है रहेगा तो फिर स्वयं ज्योति सिद्ध नहीं हो पाएगा आत्मा। ठीक है फिर स्वयं ज्योतिष बाधनाच कामादि आत्मा में आश्रित होने पर आत्मा का स्वयं ज्योति के बाद होने से न आत्मा श्रत कामादि राम कामादि आत्मा में आश्रित नहीं ऐसा शेष लगाना तदेव विप्र उसी की व्याख्या करते हैं दसवें का बाधन में वह कामादि यदि आत्मा में आश्रित पाना है तो स्वयं ज्योति के बाद होगा ये बाद का व्याख्या करते हैं कामादि नाम इत्यादि का कामादि नाम च स्वप्न केवल दृष्टि मात्र विषय पर स्वप्न अवस्था में देखो कामादि केवल आत्मा का विषय दिखाई पड़ता है अन्य का विषय नहीं होते हैं जो विषय होगा विषय ही नहीं हो पाता दृष्टा और दृश्य दोनों एक नहीं होता आत्मा दृष्टा है स्वप्न अवस्था में कामादि दृश्य होते हैं यदि आत्मधर्म होता तो आत्मा नहीं देख सकता जैसे चक्षु अपने में रहने वाला जो गुण होगा काली माँ आदि जो होंगे उसको देख नहीं सकते जो अपना धर्म होगा उसको देख नहीं सकता कोई चक्षु चक्षुगत विशेष पद कहा हुआ था ये कहना चाहते हैं ये गारंटी का है ये बाध्यता आत्मसंवाहित भाषण का था आत्मसंवाहित तदृश्य मत यदि आत्मा में संबंधित हो काम आदि तो आत्मा का दृश्य नहीं होना चाहिए चक्षुर्गत विशेष मत जैसे चक्षुर्ग विशेष है शुक्लादि कृष्ण आदि जो काली माँ आदि है चक्षु देख नहीं सकते तो चक्षु का अपना धर्म अपने का दृश्य नहीं बनेगा ठीक है जाते हैं स्थितम से अनुमान आदि विशेष अनुमान से बाध्य अनुमान से ठीक हो जाएगा एक कारण कामादि नाम स्वप्न केवल दृष्टि मात्र स्वयं ज्योतिष्टम स्थितम बाध्यता माने जो अनुमान अनुमान से सिद्ध हुआ जो स्वयं ज्योतिष्ट स्वप्न अवस्था में बाधित हो जाएगा एक कारण ज्ञान की टिप्पणी बताया है आत्मा स्वयं ज्योतिर्भाषकत्वादि अनुमान था आत्मा स्वयं ज्योति है अन्य के द्वारा प्रकाशित नहीं होता स्वयं प्रकाश है आत्मा स्वयं ज्योति भाषकत्व प्रकाशक होने से आदित्य आदि मत जैसे आदित्य को स्वयं ज्योति माना है यत्र यत्र भाषकत्व तत्र तत्र स्वयं ज्योतिषत्व यथा आदित्य आदित्य को प्रकाश करने के लिए आदित्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है वो स्वयं ज्योति है ठीक इस प्रकार आत्मा स्वयं ज्योति है यही अनुमान से सिद्ध हुआ एक यदि अत्र समवेतम तत्व न दृश्यते यदि कामारी यहाँ समवाय सम्बन्ध से रहते हो आत्मा में हो तो फिर उस स्थिति में तेरा न दृश्य दे ये कामारी आत्मा के द्वारा दृश्य नहीं बनना चाहिए आत्मा का दृष्टा और दृश्य नहीं होना चाहिए यथा चक्षुर्गतम कार्षम जैसे काली माँ है चक्षु में चक्षु देख नहीं सकते उसको उसका धर्म है कामारी आत्मा का धर्म हो तो आत्मा का दृश्य नहीं होना चाहिए कामारी यथा चक्षुर्गतम कार्षम तेरे तो चक्षु का न दृश्य से उसी चक्षु के द्वारा चक्षु में रहने वाले जो कालिमा है वो दिखाई नहीं पड़ता तथा कामादि नाम आत्मसमवायित्व कामादि आत्मा में समवाय सम्बन्ध से मानेंगे यदि आत्मा का धर्म मानने पर तब दृश्य तो न सकता आत्मा के द्वारा दृश्य नहीं होना चाहिए किंतु दृश्य होता है स्वप्न अवस्था में कामादि आत्मा के द्वारा देखा जाता है दृश्य नहीं होना चाहिए यदि आत्मधर्म होते हो कहा तब दृश्य तो बड़े नहीं हुआ आत्मा के द्वारा दृश्य है इसी युक्ति से स्वयं ज्योतिषम साधितम स्वयं ज्योतिष सिद्धि किया आत्मा को स्वयं ज्योतिर्भक्ति करके इसी ब्राह्मण की बात है तथा च तदवादे पूर्वोक्त अनुमानों में बाध्यता इसी प्रकार स्वयं ज्योतिष का बाद होने पर तथा चारण कहा तेषा तत्समत्व कहा तेषा मान कामानाम आत्मसमत्व आत्मा में संबंध मानने पर तदवादे मेरा अनुमान जो दिया था आत्मा स्वयं ज्योति है भाषकत्वा आदित्यादिवत ये जो दिया था अनुमान बाधित हो जाएगा तदवादे
पूर्वोक्त अनुमान होगी बाध्यता का, पूर्वोक्त अनुमान था वो बाधित हो जाएगा। तदवाधि माने आत्मधर्म मानने पर यही अर्थ है। तथा तदवाधे तेरे की टिप्पणी बताया है स्वयं ज्योतिष बाधक दृश्यत्व अभाव है। स्वयं ज्योतिष का बाधक दृश्यत्व हेतु यदि कामना आदि इसका बात करेंगे यदि आत्मा में ही कामना ऐसा मानेंगे तो पूर्वोक्त अनुमान बाधित हो जाएगा। पूर्वोक्त अनुमान यही था, क्या था माने विमतम पहले अनुमान दिया था आत्मा स्वयं ज्योति सिद्ध करने के, जो आसनाधिकारी होते हैं स्वप्न में बैठता है चलता है फिरता है ऐसा भासता है, चलना फिरना आदि क्रिया देखे दिखाई पड़ती है, प्रकाश के बिना क्रिया होनी संभव नहीं है, बैठना हो उठना हो चलना हो कर्म करना हो प्रकाश चाहिए। किस प्रकाश से काम करता है शरीर स्वप्न अवस्था में, स्वप्नीय शरीर किस प्रकाश से, तो वहाँ उत्तर दिया था यही है सिद्ध किया था आत्मा प्रकाश कैसा, वहाँ अनुमान दिया था विमतम आसनाधिकारी, जो आसनाधिकारी होता ना वहाँ अतिरिक्त ज्योतिराधीनम माने उससे आसनाधिकारी से अतिरिक्त ज्योति का अधीन होता है कार्य, उससे अतिरिक्त ज्योति हो तभी काम कर सकता है शरीर। तो कैसा कहते व्यवहार अथवा व्यवहार है वो स्वप्न में व्यवहार है सम्मत मत, जागृत में जैसे होता है जागृत में शरीर काम करता है बैठता है उठता है चलता है फिरता है क्रिया होती है तो ज्योति से काम करता है, कौन ज्योति आदित्य ज्योति मान ये इस संघात से अतिरिक्त ज्योति से काम करता है संघात। ठीक इस प्रकार स्वप्न में भी जो संघात दिखाई पड़ता है भासता है वहाँ भी चलना फिरना आदि क्रिया दिखाई भासती है, क्रिया तो नहीं भासता है वो अपने से अतिरिक्त ज्योति के द्वारा होती है, इस अतिरिक्त ज्योति के आत्मज्योति ऐसे क्रिया था हम यही था विमतम आसनाधिकारी, जो आसनाधिकारी है विवादास्पद अतिरिक्त ज्योति अधिनम माने स्वप्नीय शरीर में जो क्रिया हो रही है उससे अतिरिक्त ज्योति का अधिन था आसनाधिकारी व्यवहार अथवा व्यवहार होने से जागृत व्यवहार, जैसे जागृत के व्यवहार जागृत शरीर में जो कर्म होता है उससे अतिरिक्त ज्योति सूर्यादि ज्योति के द्वारा होता है आदित्यादि ज्योति से कर्म होता है कार्य, इसी प्रकार एक आत्मा यह आत्मा बाधित हो जाएगा एक ऐसा मानेंगे तो एक कथम कामादिनाम आत्मदृश्यत्व आश्रित स्वप्ने स्वयं ज्योतिष्ठ उपदिष्टत्व तथा कामादि को आत्मा में आश्रय आत्मा का दृश्य मानकर तो ऐसा आश्रय करके स्वप्न में स्वयं ज्योतिष का उपदेश कैसे कर दिया पूर्वादि के संग कथम कामादिनाम आत्मदृश्यत्व आश्रित कामादि आत्मदृश्य स्वप्न अवस्था में देखा कर स्वप्न स्वयं ज्योतिष्ठ से उपदिष्टत्व स्वयं ज्योतिष का उपदेश कैसे किया वहाँ स्वप्न में तो कहते द्रष्टु इत्यादि कहा द्रष्टुरी दृश्य अर्थांतर्भूतम दृष्टा से दृश्य भिन्न होता है दृश्य भिन्न होता है दृष्टा भिन्न होता है देखने वाला भिन्न है देखे जाने वाला भिन्न होता है द्रष्टु स्वयं ज्योतिषम सिद्धम इसलिए दृष्टा स्वयं ज्योति है स्वयं प्रकाश है सिद्ध होगा ठीक है तथापि तेषा आत्माश्रित्व काम करते फिर भी काम आदि का आत्मा में आश्रित मानेंगे आत्मा के धर्म मानने पर क्या आपत्ति है दृष्टा से दृश्य भिन्न होता है ठीक है फिर भी आत्मा के धर्म मानेंगे काम को ये पूर्वादि की शंका तथापि फिर भी तथापि टिप्पणी बताया कि उक्त रीत्या स्वयं ज्योतिष सिद्धि भी दृष्टा से दृश्य भिन्न होता है इस प्रकार से स्वयं ज्योति आत्मा में सिद्ध होने पर काम आदि मान लो आत्मा में क्या आपत्ति है एक पूर्वादि है तथापि फिर भी तेसा आत्माश्रित्व का आपत्ति क्या आपत्ति है उसमें मान लो आत्माश्रित मानो काम को तो शंका किया तो उत्तर देते हैं तद्बाधितम सियाद तद्बाधितम सियाद वो स्वयं ज्योतिष सिद्ध किया था आत्मा में वो बाधित हो जाएगा यदि काम आदि वहां हो तो स्वयं ज्योति सिद्ध नहीं हो पाएगा विकारी हो जाए काम आदि का आश्रय विकारी होगा स्वयं ज्योति सिद्ध नहीं हो पाएगा यदि काम आदि आश्रय तो परिकल्पना यदि काम आदि का आश्रय और आत्मा की कल्पना करे तो फिर स्वयं ज्योतिष विकारी हो जाएगा काम आदि का आश्रय विकारी हुआ स्वयं ज्योति सिद्ध नहीं स्वयं प्रकाश नहीं हो पाएगा घर घर को प्रकाश नहीं कर सकता ऐसा हो जाएगा दो गिटी बंद हो गया उत्तर इतिहास स्वर्ण ज्योतिष सिद्ध भी कहा इस तरह से स्वर्ण ज्योतिष होने पर कामारी का आश्रय मान में क्या आपत्ति आपको तो कहा तद बाधित हो सब जो स्वर्ण ज्योतिष सिद्ध किया था वो बाधित हो जाएगा ठीक है आगे टीका में यदि परमात्मा एक देशम जीवम आश्रित तदाश्रित कामारी तथा कहते
भक्ति प्रपंच कहते हैं परमात्मा का एक देश है, एक अवयव है जीव, परमात्मा का एक अंश है जीव। तो परमात्मा एक देश, हम परमात्मा एक व्यापक तत्व है, उसका एक कोटा है जीव, एक देश जीव आश्रित ऐसे तदाश्रित काम आदि है। परमात्मा का एक देश तो परमात्मा हो जाएगा, वो जीव परमात्मा का एक देश है तो जीव में कामना आदि आश्रित है, जीव इच्छा आदि करता है, वो परमात्मा का एक देश है तो वो परमात्मा के साथ एक देश है तो अवैध के साथ अवैध अभिन्न होता है, इसलिए परमात्मा आत्मा में भी काम आदि है। जीव में रहने वाला जो काम आदि है परमात्मा में हो ही जाएगा, एक देश है वो एक देश ही परमात्मा है और एक देश है एक जीव, ऐसा भक्ति प्रपंच कहते हैं। यद्यु परमात्मा एक देशम जीवम आश्रित, जीव को परमात्मा का एक देश है, अंशांशी भाव परमात्मा अंशी है, जीव अंश है, ऐसा मानता है। तदाश्रित काम आदि जीव में काम आदि है ही है, ये तो इच्छा करता ही है, तो ये परमात्मा का एक कोना है, एक काम जीव, इसलिए परमात्मा में हो जाएगा काम आदि, आत्मा में काम है, जीव के जो काम है परमात्मा का ही काम माना जाएगा, क्यों एक देश ही है, एक देश है जीव, ऐसे शंका है भक्ति प्रपंच का। दस नंबर की प्रश्न होता है इसको, मतम केशांचित भक्ति प्रपंच आदि नाम, ये मतलब क्या किसी का मत है, माने भक्ति प्रपंच आदि का ऐसा मत है, काम आदि ऐसे मानते हैं, तत्रह उसके उत्तर में कहते हैं ऐसा, यदि परमात्मा में काम आदि मानेंगे तो सारे शास्त्रों का प्रकोप हो जाएगा, कोई शास्त्र परमात्मा में काम आदि नहीं मानता, काम आदि मानने पर अंश और परमात्मा भी काम आदि है, तो मोक्ष अवस्था परमात्मा स्वरूप है उसमें भी काम आदि, फिर मोक्ष होगा ही। एक उत्तर देते हैं, सर्व शास्त्रार्थ विपरीत से राज्य, सारे शास्त्रों के अर्थ का विरोध होने से भी आत्मा में काम नहीं मान सकते, एक सर्वशास्त्र का जो अर्थ है, संपूर्ण शास्त्रों का जो निचोड़ है अर्थ है, विपरीत से विरोध होने से काम आदि को आत्मा में मानेंगे सारे शास्त्र का विरोध होगा। परस्य एक देश कल्पनायाम, जीव को परमात्मा का एक देश कल्पना में, कामादि आश्रित परमात्मा का एक देश की कल्पना करना जीव को, और आगे कामादि आश्रय मानना आत्मा नहीं मानने पर सर्वशास्त्रार्थ जातम कुंपित, जितने भी शास्त्रार्थ है शास्त्र का विषय है सब कुंपित हो जाएगा। ये तत्व विस्तर है चतुर्थे अभोजामक, ये बात परमात्मा का एक देश मानने पर या आत्मा को, और कामादि का आश्रय मानने पर, माने कामादि भाषते हैं औपाधिक है, माने अंतकरण के धर्म भाष रहे वास्तव में नहीं, यदि वास्तविक परमात्मा का एक देश मानना, जीव को अंशांशी भाव मान करके एक देश मानना, वास्तविक रूप से मानना, औपाधिक तो एक देश दिखता है परमात्मा का वास्तविक, और वास्तविक कामादि का आश्रय मानना इसको, तो मोक्ष होगा ही नहीं, इसको मोक्षवादी शास्त्र सारे कुप्त हो जाएंगे, यही है सर्वशास्त्रार्थ। विस्तरण चतुर्थ अवचार, चतुर्थ माने उपनिषद क्रम से द्वितीय अध्याय, वृद्धारण्य क्रम से चतुर्थ अध्याय, द्वितीय अध्याय की बात है ये, चतुर्थ विस्तरण चतुर्थ विवाद हमने अजात शत्रु ब्राह्मण में विस्तार से कहा था, ये कहना है चार नंबर टिप्पणी में बताया, द्वितीय अध्याय माने अजात शत्रु ब्राह्मण का, इस प्रकाशन के आधार पर 492 मान पृष्ठ पर है, इस पुस्तक में पहले वाले पुस्तक पूर्व खंड में है, 492 है, 93 वाली बात, यहाँ हम बोल चुके हैं, यदि जीव ये जीव अभी जो परमात्मा बना हुआ जीव है वास्तविक हो, परमात्मा का एक देश हो, वो एक देशी परमात्मा हो, एक देश के हो, और दूसरी बात कामादि का आश्रय इस वास्तव में कामादि धर्म इस आत्मा में हो, इन प्रत्येक आत्मा में हो, तो फिर सारे शास्त्र शास्त्र का जवाब होगा, इसे बाधित हो जाएगा, तो मोक्ष होना संभव नहीं, कामादि का जो आश्रय होगा कभी एक देश होगा कभी मोक्ष होगा ही, कामादि विकारी है, जो विकृत वस्तु पर मोक्ष कैसे होगा, शुद्धि होने का है। महता ही प्रयत्न देना कामादि आश्रय तो कल्पना प्रतिशत आत्मा परेण एकत्व शास्त्रार्थ सिद्ध है करते, बहुत प्रयत्न लगा करके, महता ही प्रयत्न बहुत प्रयत्न के द्वारा, महान प्रयत्न के द्वारा कामादि आश्रय तो कल्पना प्रतिशत, यह आत्मा में कामादि का जो आश्रय मानते हैं द्वैतवादी लोग, कामादि आत्मा धर्म मानते हैं, उसको निषेध करना चाहिए, सारी शक्ति इसी में लगाना चाहिए मोक्ष जाने वाला,
महता ही प्रयत्न है ना कामादि आश्रय तो कल्पना प्रतिषेधव्य इसका निषेध करना चाहिए। आत्मा परेण एकत्व शास्त्रार्थ सिद्ध है किसके लिए? इस आत्मा का परमात्मा के साथ एकत्व जो शास्त्र का अर्थ होता है तत्वशी वाक्य जो बोलता है तो वही होकर के बोलता है उसके विषय को सिद्धि के लिए महान प्रयत्न के द्वारा यही करना चाहिए। कामादि का आश्रय आत्मा नहीं है, शक्ति वहीं लगाना चाहिए। कहा पांच के टुकड़े में कहा प्रयत्न भूयो भूय यदि बार बार प्रयत्न करके एक बार नहीं अनेक बार प्रयत्न करके कामादि का जो आश्रय आत्मा को मानते हैं लोग उसका खंडन करना चाहिए। कौन खंडन करेगा? आत्मा ना परेण एकत्व शास्त्रार्थ सिद्ध का आत्मा को परमात्मा के साथ एकत्व जो शास्त्र का विषय है तत्वशी जो बोलता है उस विषय की सिद्धि के लिए कामादि का आश्रयत्व का खंडन करना चाहिए। ठीक है, टिप्पणी बताया है शास्त्र प्रमेय शास्त्रार्थ शास्त्र का जो विषय है उसकी सिद्धि क्या है? एकत्व तत्व किसी वाक्य के द्वारा सिद्ध होता है जीवात्मा ऐक्य। उस सिद्धि के लिए सारी शक्ति लगा करके कामादि आश्रयत्व का खंडन करना चाहिए। कामादि आत्मा में नहीं है ये सिद्ध करना चाहिए, प्रयत्न वही लगाना चाहिए। कहा तत्कल्पनाया पुनः क्रियमाणायाम शास्त्र बाध्य। यदि कामादि का आश्रय आत्मा में कल्पना करने पर कामादि बुद्धि में है तो उसके धर्म आत्मा में वास्तविक कल्पना करने पर नहीं आत्मा में है धर्म कामादि ऐसे कल्पना करने पर क्रियमाणायाम कल्पना करने पर शास्त्रार्थ बाध्य जो शास्त्र का विषय ऐक्य जीवात्मा परमात्मा ऐक्य तो परमात्मा के साथ एक होने का जो कामादि आश्रय वाला आत्मा है परमात्मा नहीं हो सकता उसका विषय बाधित हो जाएगा। आगे कहते हैं यथा इच्छा दीना आत्मधर्मत्व कल्पयन्तु वैशेषिका नैयायिकाश्च उपनिषद शास्त्रार्थे न संगच्छन्ते तथा इयमपि कल्पना उपनिषद शास्त्रार्थ बाधना नाधरणीय। जिस प्रकार इच्छादि आत्मा का धर्म मानते हैं नैयायिक वैशेषिकादि इच्छादि आत्मा के धर्म मानते हैं यथा इच्छादी नाम आत्मधर्मत्व कल्पना तो आत्मा का धर्म कल्पना करते हुए आत्मधर्म है आत्मा के धर्म है इच्छादी ऐसा कल्पना करते हुए वैशेषिका नैयायिका सा वैशेषिक और नैयायिक के लोग उपनिषद शास्त्रार्थ न संगत उपनिषद का जो उपनिषद रूपी शास्त्र के जो विषय है ऐक्य उसके साथ संबंध नहीं हो सकते। इच्छादी रहने पर परमात्मा से एक हो नहीं सकता उनके साथ संबंध नहीं कर सकते। उपनिषद जो शास्त्र है उसके अर्थ जो ऐक्य ज्ञान है उसके द्वारा दूर होते हैं नैयायिक वैशेषिकादि तथा ये कल्पना ये भरती प्रपंच की कल्पना भी यही है परमात्मा का एक देश है जीव इसमें कामादि है एक देश है तो वो कामादि परमात्मा में है ऐसे कल्पना भी ऐसे परमात्मा कामादि वाला होगा तो मुक्ति कौन दे कौन होगा। तथा ये कल्पना उपनिषद शास्त्र अर्थ बाधना उपनिषद शास्त्र के अर्थ जो विषय ऐक्य है जीवात्मा परमात्मा ऐक्य बाध करने के कारण नादरणीय। क्यों? यदि आत्मा में काम हो तो द्वैत हो जाएगा ना दो हो जाएगा धर्म हो वास्तव में अद्वैत का विरोध होगा। ठीक है सात और आठ की टिप्पणी में कहा सात में कहते हैं उपनिषद शास्त्रार्थ है ना कामादि ना मनोधर्मत्व खेद कामादि मन के धर्म है उसको आत्मधर्म मानने पर ऐक्य प्रतिपादन करने वाले शास्त्र का धर्म बाधित हो जाएगा कि द्वैत रहेगा उस काल में भी काम और आत्मा द्वैत मोक्ष शास्त्र का एक बात होना होगा। एक काम आदि न मनोधर्म वगैरह न संगत छाते संगति नहीं लगते कहते हैं या ऐके बताने वाला शास्त्र जो है तत्वशी आदि मन के धर्म मानते हैं क्या मानते हैं शास्त्र काम आदि मन के धर्म क्यों कहते हैं आत्मा के धर्म यदि आत्मा धर्म हो तो द्वैत नहीं हो पाएगा तत्वशी के द्वारा अद्वैत नहीं हो पाएगा द्वैत रहेगा न संघत संवादिनों को मानते हम उनके साथ संवाद के योग्य नहीं होते हम अद्वैत मानते हैं श्रुति के माध्यम से मानते हैं उस श्रुति विरोध बोलते हैं काम ये कल्पना मैंने किसके भर्ती प्रबंध ही आदि ये भर्ती प्रबंध कल्पना है एक सारी कल्पना कैसे आत्मा को परमात्मा के एक देश मानना और काम आदि का आश्रय मानना इत्यादि कल्पना भी उसी प्रकार है। ठीक है थोड़ी सी है तदेव स्फुटी उसी को स्पष्टीकरण करते हैं स्पष्टीकरण का भर्ती प्रबंध बोलते हैं जीवात्मा में काम है और परमात्मा से अवयव है अवयव है अंश है वो अंशी है इसे आत्मा काम आदि का आश्रय हो जाएगा एक कल्पना उसी को स्पष्टीकरण करते हैं परस्य इत्यादि कहा परस्य एक देश कल्पनायाम
परमात्मा के एक देश की कल्पना, जीवात्मा जो है परमात्मा का एक देश है ऐसी कल्पना करने पर, कामादि आश्रय तो कामादि धर्मवान है ऐसे कल्पना कर, वास्तविक कामादि वाला है ऐसा कल्पना करने पर सर्वशास्त्रार्थ जातम कुपित, सारे शास्त्र वर्ग जितने सब कुपित हो जाएंगे, मुख्य शास्त्र जितने कुपित हो जाएंगे। ये कहा शास्त्रार्थ जातम निर्भयत्व प्रत्येक एकत्वादि, शास्त्र का विषय क्या है, निर्भय सिद्ध करता आत्मा, जीव को अवयव सिद्ध कर रहे हैं, भर्त प्रमुख कहते हैं परमात्मा का अवयव है एक देश है किंतु निर्भय सिद्ध करता है, निष्कलम निष्क्रियम शांतम शास्त्र ऐसा होता है, अवयव रहित है क्रिया रहित है, निष्क्रियम निष्कलम निष्कलम निष्क्रियम शांतम निर्भयम निरंजनम ऐसा शास्त्र होता है आत्मा को। शास्त्रार्थ जातम निर्भयत्व प्रत्यक्ष है और एकत्व एक है ये सिद्ध करता है शास्त्र वर्ग, तस्य कथम कोपस्या, तो कैसे कोप होगा शास्त्र का, ये शंका कर कहा आह ये तच्च, कहा ये हम पहले बोल चुके हैं द्वितीय अध्याय में बातें बोल के आ गए, ये तच्च विस्तरेण चतुर्थे अवचार, चतुर्थ अध्याय में अजात शत्रु ब्राह्मण कहते आए कहा जाते हैं चतुर्थे चेत भर्ती प्रपंच मतम निरस्तम, यदि चतुर्थ अध्याय में भर्ती प्रपंच का मत यदि निराश खंडन हो चुका है द्वितीय अध्याय में, तो फिर ये चतुर्थ अध्याय में क्यों यहाँ खंडन करना चाहते हैं, ये प्रश्न उठेगा। चतुर्थे चेत भर्ती प्रपंच मतम निरस्तम, यदि चतुर्थ अध्याय में द्वितीय अध्याय में भर्ती प्रपंच का मत यदि निश्चित हो चुका है खंडन हो चुका है तो तरी पुनः पुनर्निराकरण अकिंचित कर, फिर यहाँ दोबारा खंडन करना उनका मत को ये तो व्यर्थ है, पहले खंडन हो चुका है, यदि आशंका ऐसा शंका कर करते नहीं, महता ही प्रयत्न का हमारे आश्रय तो कल्पना प्रतिशत आत्मा परेण एकत्व शास्त्रार्थ प्रसिद्ध है, कहा है पहले फिर भी कहना चाहिए, बार बार प्रयत्न करके इस खंडन करना चाहिए, कामादि आश्रय का खंडन करा, कामादि का आश्रय आत्मा नहीं है ऐसे खंडन होना चाहिए, इसके लिए यहाँ दोबारा कहा गया, आत्मा न परेण एकत्व शास्त्रार्थ सिद्ध है, आत्मा इस आत्मा का परमात्मा के साथ एकत्व सिद्ध करने वाले शास्त्र का विषय सिद्धि के लिए ऐक्य सिद्धि के लिए ऐसा करना चाहिए, यदि कामादि रहेंगे तो आत्मा मोक्ष नहीं हो पाएगा, क्यों द्वैत हो जाएगा, मोक्ष अवस्था अद्वैत अवस्था है, ठीक है। परेण सह प्रत्येगात्मा यदि एकत्व परमात्मा के साथ इस प्रत्येगात्मा का इस आत्मा का परमात्मा के साथ एकत्व है वह तस्य शास्त्रार्थ से, ये शास्त्र का विषय यही है जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य ही शास्त्र का विषय होता है, मोक्ष शास्त्र का विषय जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य तत्वशी, ये बोलना शुरू करें तो वही हो अहम ब्रह्मास्मि मैं वही हूँ इत्यादि, ये शास्त्र का अर्थ होता है सिद्धार्थ, ये सिद्धि के लिए है परेण सह प्रत्येगात्मन एकत्व तस्य शास्त्रार्थ से, शास्त्र का विषय परमात्मा के साथ इस आत्मा का एकत्व सिद्धि करना यही होता है, उसके सिद्धि के लिए ही कि बार बार खंडन करना चाहिए, कामादि आत्मा का धर्म मानने वालों का मत का खंडन करना चाहिए, ठीक है। बारह में कहा परमात्मा एक बार परमात्मा परमात्मा के साथ एकत्व सिद्ध करना है, इसके लिए अंशत्वादि कल्पनायाम अभी शास्त्रार्थ सिद्धम सिद्धिम आशंका, अंश की कल्पना करें, परमात्मा अंशी है और यह अंश है ऐसी कल्पना करें, परमात्मा का एक देश है ऐसा मान्य पर भक्त प्रबंध के पद ऐसा है, परमात्मा मूल है उसका एक देश टूट कर आया है ऐसा मानेंगे तो तब भी शास्त्र के अर्थ ऐके सिद्ध हो जाएगा, परमात्मा सिद्ध आया ना परमात्मा मिल जाएगा नहीं, एक कहना है अंशत्वादि कल्पनाया अभी अंशत्व कल्पना में भी शास्त्रार्थ सिद्धि महासंख्या शास्त्र की सिद्धि हो जाएगी ऐके सिद्ध हो जाएगी ऐसा शंका करने पर कहा तत्कल्पनायाम, तत्कल्पनायाम पुनः एक देश की कल्पना करने पर तो क्रियावाड़ा करने पर शास्त्रार्थ बाधित शास्त्र के विषय बाधित हो जाएगा द्वैत हो जाएगा, ठीक है। हम कहते हैं भक्ति प्रबंध कल्पनाया हेतु तो संग्रह, हाँ तो भक्ति प्रबंध की कल्पना त्याज्य है अंश नहीं है, उपाधि के कारण अंश जैसा होता है अंश नहीं, क्यों उपाधि अंतकरण है छोटा सा है इसलिए उसके कारण से जैसा लगता है वास्तव में अंश नहीं, ये सिद्ध करना है जो गीता में मंगईवांश जीव लोग जीव भूत समाता है कहा हुआ वही अर्थ है, अंशांश वाप वास्तव में नहीं है, जैसा लगता है अंश जैसा हो जाता है भ्रांति के कारण, ये कहना है यथा इत्यादि कहा
यदा इच्छादीना आत्मधर्मत्व कल्पय तो वैशेषिका नैयायिका उपनिषद शास्त्रार्थे जिस प्रकार इच्छादि को आत्मधर्म मान करके कल्पना करके वैशेषिक और नैयायिका ही उपनिषद शास्त्र का जो अर्थ होता है एक ऐक्य होता है उसके साथ संबंध नहीं कर पाते संवाद नहीं कर सकते जो द्वैत आ जाएगा इच्छादि आत्मा न मानने पर तथा ये भी कल्पना है भक्ति प्रबंध कल्पना है अंशांशी भाव की कल्पना जो करते हैं यह भी उपनिषद शास्त्रार्थ बाधना उपनिषद शास्त्र के बाधित होने से न आदरणीय आदर नहीं होगा क्यों यदि वास्तव में द्वैत हो परमात्मा अंशी हो जीवात्मा अंश बना हो तो फिर उनका संबंध बनेगा एक हो नहीं पाएगा स्थिति हो जाएगी ऐक्य के बाद होगा क्यों तत्वशी अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि श्रुतियाँ ऐक्य बताती हैं उसके बाद ही हो जाएगा इसलिए इस कल्पना का आदर नहीं देना चाहिए भक्ति प्रबंधी कल्पना भी आदर नहीं देना चाहिए नैयायिक वैशेषिक की जो कल्पना है उसको भी आदर नहीं देना चाहिए मोक्ष को एक समय हो गया है यही रहते ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शान्ति शान्ति।